और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक 71.11% मतदान हुए हैं। राजगढ़ में 32.82%, छिंदवाड़ा में 78 और देवास में 76% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक 71.11% मतदान हुए हैं और ग्वालियर में शाम 5 बजे तक लगभग 61.19% मतदान हुए हैं। ग्वालियर की बात करें और भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में 59.19% मतदान हुए हैं शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है। आगरमालवा में सबसे ज्यादा 82% मतदान हुआ है और ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से वोटिंग हुई है। आगरमालवा में सबसे ज्यादा 82 और बुरहानपुर में 72% वोटिंग हुई है। अशोकनगर में 69, बालाघाट में 79.78% मतदान हुए हैं। अलीराजपुर में 56% और अनूपपुर में 74% वोटिंग हुई है। बड़वानी में 70 और बैतूल में 73.96% वोटिंग हुई है। इसके अलावा भिंड की जाए, भिंड में 58 और छतरपुर में 66% वोटिंग हुई है। दमोह की अगर बात की जाए तो दमोह में 73 और दतिया में 69% वोटिंग हुई है। ये आंकड़ा शाम 5 बजे तक का है। धार में 70.68 और डिंडोरी में 78.30% वोटिंग हुई है। गुना में 74 और कटनी में 73.10% मतदान हुआ है। और हरदा की बात की जाए तो हरदा में 74 और इंदौर में 64% वोटिंग हुई है। लगातार ये सिलसिला और 6 बजे तक जारी रहा। जबलपुर में 25% सबसे कम मतदान यहीं पर हुआ है। और रीवा की अगर बात की जाए तो रीवा में 27 और दतिया में 29% मतदान हुआ है। राजगढ़ में 32, गुना में 28% मतदान हुआ है। और छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा में 78% मतदान हुआ है। देवास में 76% मतदान हुआ है। तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक 71.11% मतदान हुए हैं और ग्वालियर में शाम 5 बजे तक 61% मतदान हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए भोपाल की तो राजधानी भोपाल में 59.19% मतदान हुआ है और आगरमालवा में 82%, अशोकनगर में बता दें कि 69% मतदान हुआ है, बालाघाट में 79% मतदान हुआ है और बता दें कि अलीराजपुर में 56 तो अनूपपुर में 74% मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। बड़वानी में 70 तो बैतूल में 73% मतदान हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए भिंड की तो भिंड में 58.41 तो छतरपुर में 66.33% मतदान हुआ है। दमोह में 73 तो दतिया में 69% मतदान हुआ है और धार में 70 तो डिंडोरी में 78% मतदान हुआ है। गुना में 74 और कटनी में 73% मतदान हुआ है। और आपको बता दें कि हरदा में 74 और इंदौर में 64% मतदान हुआ है। जबलपुर में 25 और झाबुआ में 30% मतदान हुआ है और रीवा में 27.82 तो दतिया में 29.22, राजगढ़ में 32 और गुना में 28% वोटिंग हुई है।